और चलिए बढ़ते हैं आगे। नैनीताल से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बताया जा रहे पिकअप में 11 लोग सवार थे और खाई में जीप गिरने से यह हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पिकअप में 11 लोग सवार थे और खाई में जीप गिरने से ये हादसा हुआ है। 11 लोग सवार थे जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जीप के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। तो नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर एक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। तो खाई में जीप गिरने से यह हादसा हुआ है। पिकअप में 11 लोग सवार थे जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से, सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। तो गहरी खाई में जीप गिरने से यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि पिकअप में 11 लोग सवार थे जिनमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो नैनीताल में आज यह हादसा हुआ है जहां पर गहरी खाई में जीप गिरने से 8 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रही हैं। तो नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे नैनीताल से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है लेकिन 8 लोगों की हादसे में जान चली गई है। वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर, टनल हादसे का आज 6ठा दिन है और